एक बार फिर खुश आमद। गलतियाँ जो कनाडा में करनी चाहिए, बल्कि बेहतर ये होगा कि जो गलतियाँ आप करोगे कनाडा में एज अ न्यू कमर। टोरंटो के साथ स्कार्बो में हूँ, वक्त हुआ है 4:20, टम्परेचर है -6, फीज लाइक -11 हो रहा है, जबकि मेरे हिसाब से मैंने थोड़ी देर पहले टम्परेचर देखा था तो -13-15 के करीब फीज लाइक हो रहा है। सूरज निकला देख रहे हैं 7:49 पर, गुरूब होगा 4:45 पे, और तारीख हुई है आज जनाब 26 दिसंबर, दिन है पीर का और इस्लामिक तारीख है 2 जमादिसानी। तो भाई वो मिस्टेक्स आप जो करोगे, नंबर 1, राइट हैंड ट्रैफिक, लेफ्ट हैंड ट्रैफिक। पहले तो ये समझ लो कि राइट हैंड ट्रैफिक और लाइट हैंड ड्राइव फर्क है, खुद देख लो। मैं पाकिस्तान से हूँ, राइट हैंड पे बैठ के गाड़ी चलाता हूँ, गाड़ी रोड पे किस तरफ चलाता हूँ ये आप खुद सोच लो, ठीक है। तो ये फ़र्क हो गया। तो भाई अब मैं सीधे हाथ पे देख रहा हूँ जबकि ट्रैफिक आ रही है उल्टे हाथ से, ये मेरे साथ बहुत महीनों तक होता रहा। कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, अब मैं रोड पार कर रहा हूँ जबकि मुझे इस तरह पार नहीं करनी चाहिए, और जहाँ कानून ज़्यादा सख्त होता है, अमल दरामद होता है, ज़िंदगी उसूलों से ज़्यादा गुजारी जाती है, वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि जहाँ आप रहते हो जिम्मेदारी है वहाँ भी नहीं करनी चाहिए। अब मैं जनाब उल्टे हाथ पे देख रहा हूँ, ट्रैफिक सीधे हाथ से आ रही है, कहानी तो चले रोड की हो गई, गली महल्ले का क्या करोगे, वहाँ तो रोड कहीं से भी क्रॉस कर सकते हो ना, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग नहीं होती। तो ये गलती आप यहाँ पे करोगे। ट्रैफिक की बात हुई तो ये आप ट्रैफिक देखो सामने से आने वाली, इधर भी देखो इधर भी देखो, इनकी हेडलाइटें जली हुई हैं। मैंने बोला यार क्यों हेडलाइटें जल के गाड़ी चला रहे हैं। वैसे एक बात बताऊँ, आप पाकिस्तान में भी गाड़ी चलाते हो ना, हल्की सी हेडलाइट जलाते हैं ना, जिसमें हल्की हेडलाइट जलती है और पीछे की रेड लाइट ऑन हो जाती है, ये करना चाहिए। गाड़ी जो आपके आगे जा रही है मिरर में आपको आसानी से दे सकती है, ट्रैफिक का उसूल है, पीछे वाली गाड़ी भी ज़्यादा बेहतर आपको देख सकती है। तो पता लगा भाई ये डे टाइम रनिंग लाइटें होती हैं यहाँ पर, वो ऑटोमेटिक जल रही होती है। गाड़ी की लाइटों की बात हुई तो ये आप गाड़ियों की बैक लाइट देख लो, इस गाड़ी का इंडिकेटर कहाँ लगा हुआ है, कहाँ जल रहा है। पाकिस्तान में पुरानी गाड़ी होती थी, अब अल्लाह पाक ने नई गाड़ी दे दी, अल्लाह ताला का एहसान है। तो भाई क्या करते थे, मैकेनिक के पास जाते थे, यार मेरी रिवर्स लाइट काम नहीं कर रही, ये नहीं हो रही, बल्ब फ्यूज़ हो गया, सस्ते बल्ब वगैरह भी लगा लेते थे ना, ऐसा नहीं है कि महंगे बल्ब भी अच्छे होंगे, बजट में बंदे को रहना पड़ता है। तो वो क्या करता था भाई, इंडिकेटर वाली लाइट वो एक सही करता था, दूसरी वाली जो है ना रेड लाइट में लगा देता, रेड लाइट रिवर्स वाली में लगा देता था, घर आके फिर बोलते थे आप ये क्या हो गया। तो भाई पता लगा कि यहाँ इंडिकेटर जो है ना अक्सर होता ही रेड लाइट के अंदर है, इंडिकेटर भी उसी में होता है, भाई हमें तो नहीं पता था भाई। तो ये गलती आप करोगे। अभी राइट हैंड लेफ्ट हैंड ट्रैफिक की बात हुई, गाड़ियों की लाइट की बात हुई, इंडिकेटर की बात हुई, तो ये गाड़ी को देखो क्या कर रही है, धुआं निकल रहा है, धुआं तो अभी मेरे मुंह से निकल रहा है, इस वक्त भी निकल रहा है, इस घर से भी निकल रहा है, सही है, इस गटर से भी निकल रहा है, अब सब जगह आग लगी हुई है क्या। अच्छा अगले पॉइंट में आ जाते हैं, इसी से जोड़ते हैं, ये फैक्ट्री से कितना धुआं निकल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, एनवायरनमेंट वाला नहीं है, इतने उसूल जबते के लोग हैं, मुल्क दुनिया भर के लेक्चर देते हैं, और भाई सिर्फ ये स्टीम है, मेरे मुँह में कोई आग थोड़ी लगी हुई है, ये स्टीम निकल रही है। मैं बोलता था यार ये क्या, किसी ने बताया भाई वो ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये होता है। अगली गलती जो आप करोगे, आप टोरंटो में हो, डाउनटाउन गए, डाउनटाउन में एक यंग स्ट्रीट है, तो आप जब उसको क्रॉस करोगे उसके ईस्ट साइड पे होगे या वेस्ट साइड पे होगे, आप ये भूल जाओगे कि मैं बे पे हूँ, बाथर्स्ट पे हूँ, किस स्टेशन पे मैं हूँ, मैं इस हाथ पे हूँ उस हाथ पे हूँ, ये बड़ी कन्फ्यूजन होती है। अच्छा वैसे इस तमाम को ये जो मैं बना रहा हूँ, मैं गलतियों को लेवल 1 यहाँ करार दूंगा, मेरे जहन में इसके बहुत सारे आइडिए हैं, मैं इंशाल्लाह और भी शेयर करूँगा, इस पर डिपेंड करता है मुझे इसकी कितनी जो है ना इस पर या वो मिलती है, सपोर्ट मिलती है या लोगों को पसंद आता है। बहरहाल फिर भी मेरे चैनल पर इतनी सपोर्ट नहीं है, मैं फिर भी स्टिल ये काम कर रहा हूँ। अगली गलती बस में होगी आपसे, आप बस जाओगे आपको बोलोगे यार बस में बैठने के लिए चेंज चाहिए मुझे ना, ड्राइवर को परेशानी नहीं हो, मेरी तरह $5 या $10 का बिल लेके आप चले जाओगे ना, नोट लेके आप चले जाओ, आप बस में बैठोगे, टोरंटो जीटीए रीजन में किराया है $3.25, मिसिसागर रीजन में $4, और इस तरफ नॉर्थ में यॉर्क रीजन में किराया है $4.25। तो भाई
पता लगा कि भाई वो बस वाला तो चेंज देता नहीं है, आपको तो एग्जैक्ट चेंज डालना है। कभी कभी ऐसा होगा बस वाला समझ जाएगा, बोलेगा अच्छा क्या बस में बैठ गया, लेकिन अक्सर ऐसा होगा कि आप फंस जाओगे। खैर दो तीन चार दफ़ा में आपको सबक मिल जाएगा। इससे हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये है कि आप जब भी जहाँ पैसे खर्च करने लगोगे, जैसे कि अभी मैंने बस का बताया, क्योंकि आपने सवा तीन डॉलर की बजाय टोरंटो में $5 दिए, ज़्यादातर पब्लिक टोरंटो ही आती है, तो आप बोलोगे ओए $1.5 मेरे पाकिस्तान में तो ये $300-350 का मुझे लॉस हो गया। तो भाई आप कई महीने तक इस चीज़ से नहीं निकल पाओगे, पाकिस्तान में तो चीज़ इतने की मिल जाती, हमें इतने की पड़ रही है, ये महंगा दे रहा है। आपके प्राइस कैलकुलेट करने लगोगे, आप इंटरनेट का दौर है तो आप इंटरनेट पर भी सर्च करने बैठ जाओगे, ओह नहीं बहुत महंगी पड़ रही है, किसी से मंगा लूँगा या तो मैं लेके आ जाऊँगा। तो ये गलतियाँ आप करते रहोगे। तो चैनल एक्टिविटी है सुबह से शाम तक जो कुछ होता है, ये लाइक शेयर करना, इस पर बात करना, वीडियो बनाना मुझे अच्छा लगता है। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नहीं भी पसंद आए कमेंट करके बता दो, आज से गुजर रहे हो ना, यूट्यूब का अलगावेथन ने हमारे रास्ते लड़ा दिए, तो किसी का भला कर दो, इंशाल्लाह बेहतर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना अपना प्यार ख्याल रखो।